बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे दोबारा से वेलकम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका लाया हूँ ऑनलाइन अर्निंग का। इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वाईफाई हो, डाटा हो, जो भी हो, और आपको एक अदद इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं इस्तेमाल करते तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं, क्योंकि ये वक्त ज़ाया करता है। लेकिन आज मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपके साथ अपने सेल फ़ोन की स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको वॉक थ्रू दूंगा कि आपने क्या क्या करना है और किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, कोई एक्शन ज़रूर लेना है। तो आइए चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो जनाब, मैं अपने इस वक्त फ़ोन पे हूँ। मैंने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास बेशक एंड्रॉयड है या आपके पास आईफोन है, आपने जाना है अपने ऐप स्टोर की तरफ और आपने इंस्टॉल करना है इंस्टाग्राम, INSTAGRAM। ये हमने किया टैप और फिर आपके पास ऑप्शन आएगी, उसके ऊपर आपने फिर कर देना है क्लिक। अब मेरे पास चूंकि पहले से ही इंस्टाग्राम मौजूद है तो मैं क्या करूंगा, इधर इसको कर दूंगा ओपन और ये मेरा खुल गया इंस्टाग्राम। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल लिया है, मैं अपने मेन पेज के ऊपर हूँ। और अगर मैं आपको इधर थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम से भी अपने साइड बिजनेस से किस तरह अर्निंग कर रहा हूँ। बहुत सिंपल काम है, घर से बैठ के आपने घंटा दो घंटे लगाने हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ और आप भी किस तरह कर सकते हैं। तो हम इधर आए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उसके बाद मैं टैप करूँगा अपने प्रोफाइल पेज के ऊपर और आप जिस तरह के देख सकते हैं कि मेरे बायो के अंदर इंफॉर्मेशन है मैं करता क्या हूँ। और आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई रॉकेट ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने किया है उसी तरह ही आपने भी अपना पेज बनाना है, उसको सेटअप करना है। मैं आपको फुल वॉक थ्रू दूंगा क्या क्या किस तरह करना है और इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो अगर आप मेरे पेज को देखें तो मैंने अपना टॉप पे नाम लिखा है, कोई फैंसी चीज़ नहीं, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वी ब्रिंग यू क्लाइंट्स। सिंपल, छोटा सा होना चाहिए, आप क्या करते हो, क्या ऑफर करते हो। इस केस में वी ब्रिंग यू क्लाइंट्स, नीचे मैंने अपना लिख दिया डेजिग्नेशन, मैंने COO लिखा है, COO ऑफ रिलेशंस बिल्डिंग। रिलेशंस बिल्डिंग मेरी कंपनी है, COO का मतलब है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मैंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्यों लिखा और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों नहीं लिखा। हर पेज को खोलो, कहीं भी जाओ, हर बंदा CEO बना बैठा है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन एक थोड़ा सा मार्केटिंग टैक्टिक है, स्ट्रेटजी है, के बजाय इससे कि मैं भी अपने आप को CEO बनाऊँ, हालांकि मेरी ही कंपनी है, मैं ही चलाता हूँ, मैं ही मैनेज करता हूँ, मैंने लिख दिया COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, थोड़ी सी मार्केटिंग टैक्टिक है। फिर मैंने लिख दिया कंपनी बेस्ड इन कैलिफोर्निया, ये एक बहुत बड़ा मेरा सेलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी मार्केटिंग कंपनीज हैं, सेल कंपनीज हैं, जिनके ऑफिस खुले हैं इंडिया में, जिनके ऑफिस खुले हैं फिलिपीन में, मेक्सिको में, इंडोनेशिया में। क्योंकि ये सर्विस कंपनी है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे से बिज़नेस करोगे तो मैं अमेरिका में बेस्ड हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होगी, प्रॉपर इंग्लिश होगी, कोई एक्सेंट नहीं होगा, कोई शोबाजी नहीं होगी। आप कॉल करोगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा कि फ़ोन कौन उठाता है, कौन नहीं उठाता। तो ये एक एडवांटेज है। तो आप अगर पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, तो आप अपने मुल्क को लिखो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी क्लाइंटेल पाकिस्तान में है, आपकी क्लाइंटेल इंडिया में है, आप जहाँ भी बैठे हो आपकी क्लाइंटेल उस कंट्री में मौजूद है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी क्लाइंटेल को अपने ही मुल्क में ढूँढो, आपके लिए ज़्यादा ईजी और सिंपल होगा। ठीक है जनाब, तो फिर नीचे मैंने लिख दिया DM मी द वर्ड क्लाइंट्स टू लर्न मोर। ये एक कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है? कॉल टू एक्शन का मतलब है कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, आप अगर मेरा बिज़नेस हासिल करना चाहते हो, मेरे से सर्विस लेना चाहते हो, तो आपने ये काम करना है, तो मुझे पता होगा कि आप सीरियस हो, आप कोई बात नहीं हो। और नीचे फिर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है।
अब मैं वेबसाइट को खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, मज़े की बात है, एक मेरी बैकग्राउंड फाइनेंस में है, मैं आईटी का नहीं, मुझे आईटी का भी कोर्स नहीं लिया, लेकिन मुझे शौक़ है सीखने का। वीडियो एडिटिंग खुद सीखी, ये जो वेबसाइट्स बनाना है इनको खुद सीखा, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खुद सीखी। तो ये डिपेंड करता है आप अपना वक्त कहाँ लगाते हो, आप स्क्रॉल करने में अपने वक्त को बर्बाद करते हो या आप उसी वक्त को इस्तेमाल करते हो नए स्किल्स सीखने में और उन स्किल से पैसे बनाने में। तो मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, तो इसका नाम है relationsbuilding.square.site, फ्री की वेबसाइट खुद बनाई, कोई मंथली होस्टिंग नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पे पैसे वेस्ट करना पसंद खुद नहीं करता। तो मैं आपको भी एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप ऐसी चीज़ों पे शुरू में पैसे वेस्ट करो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और वो लिंक अब हो रहा है इधर ओपन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिंक ओपन हो गया। ये कंप्यूटर से भी वेबसाइट खुल सकती है, बिल्कुल कंप्यूटर की भी ऑप्टिमाइजेशन है इस पे, और मेरे स्मार्टफोन की भी ऑप्टिमाइजेशन है। कहीं से भी खोलो दुनिया में, किसी भी मोबाइल फ़ोन पे, सेल फोन पे खोलो, एंड्रॉयड, आईफोन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये वेबसाइट बहुत अच्छी नज़र आएगी। अब अगर आप इस पे देखें, RB मेरा लोगो, रिलेशंस बिल्डिंग, डू सेल ए प्रोडक्ट और प्रोवाइड ए सर्विस, नीड कस्टमर्स, मैंने बताया कि आप ये करते हो, आपको क्लाइंट चाहिए, वी बिल्ड रिलेशनशिप्स, वी हेल्प फाइंड एंड ब्रिंग दोज कस्टमर्स टू यू। यानी कि मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत सिंपल और छोटे से तरीके से कि तुम क्या ये काम करते हो, अगर करते हो तो मैं मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये प्रोवाइड करता हूँ। We will cold call for you, provide online marketing for you and get your current and future clients. ठीक है, और उसके नीचे मैंने देखें सर्विस और कॉन्टैक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और सेलिंग पॉइंट, सपोर्टिंग अमेरिका, वी आर बेस्ड आउट ऑफ कैलिफोर्निया, आवर सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम अमेरिका, वी डू नॉट आउटसोर्स। ये बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है मेरे बिजनेस का, क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, अबे देखो ये इंडोनेशिया में बेस्ड नहीं, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ये अमेरिका में बेस्ड है। तुम फ़ोन करोगे तो अमेरिका में कोई उठाएगा, तुम्हें प्रोवाइड करेगा 100% कस्टमर सर्विस। तो नीचे मैंने अपने देखो फिर साथ में कस्टमर्स के जो फीडबैक है वो भी प्रोवाइड की हुई है, काफ़ी थे, उनमें से कुछ जो ज़रा ज़्यादा अच्छे थे मैंने उनको इधर प्रोवाइड पोस्ट किया। तो आप देखें मैंने इधर 3-4 अपने रिव्यूज़ भी डाल दिए। फिर आप नीचे आओ तो मैंने अपना एड्रेस भी डाला है ताकि लोगों को पता हो कि ये लेजिटिमेट असली बिजनेस है, कोई दो नंबरी नहीं है इसमें। अगर वो आएँ तो यहाँ आ सकते हैं ऑफिस में, उनको ये नंबर भी दिया है, उनको अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, और नीचे अपने बिजनेस के आवर्स भी प्रोवाइड किए हैं। भाई कोई टोपी ड्रामा नहीं, असली लेजिट बिजनेस है। और फिर हम इस तरह की पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, एप्पल पे, गूगल पे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, JCP, तो ये सारी देखो चीज़ें। और ये फ्री का है, मैंने इस पर कोई पैसे नहीं लगाए वेबसाइट बनाने पर, मैंने खुद बनाई है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो बड़ी सिंपल सी है, मैंने इधर ऑप्शंस पर क्लिक किया, वो होम पेज था, अब मैं सर्विस पर लेके जाता हूँ। सर्विस पर आए तो ये भाई मेरी सिंपल सी वेबसाइट है, 4 प्रोडक्ट्स मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ब्रॉन्ज प्लान, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान एंड डायमंड प्लान, और मुझे इस वेबसाइट से बकायदा बिजनेस मिल रहा है। तो मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ अपने डायमंड प्लान की, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो इसमें आप देखो, सर्विस इज़ वैलिड फॉर 30 डेज, वी रीच आउट टू 5,000 पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स इन योर डिज़ायर्ड लोकेशन, हम 5,000 क्लाइंट्स को रीच आउट करेंगे आपकी लोकेशन पे। हम आपको वीकली लॉग भी देंगे हमने क्या किया, नो कॉन्ट्रैक्ट, मंथ टू मंथ सर्विस, और 7 days a week कस्टमर सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये है मेरा बिजनेस जो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहा हूँ। अब आप मेरे अगर इंस्टाग्राम के पोस्ट को देखो तो क्योंकि सेल्स ओरिएंटेड है तो मैं लोगों को उसी तरह की मैंटेलिटी सिखा रहा हूँ। मेरी टारगेट क्लाइंट कौन है, रियल इस्टेट एजेंट्स, कार सेल्समैन, किसी किस्म के भी सेल्समैन, आप बेशक टाइलें बेचो, टॉयलेट बेचो, फर्श बेचो, गाड़ियां बेचो, घर बेचो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने उस तरह के पोस्ट भी अपने दिए हुए हैं उन लोगों को केटर करने के लिए। ठीक है, आपने भी इसी तरह ही करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप इस तरह के पोस्ट जब डालोगे तो लोग आपके पेज को डिस्कवर करेंगे, वो देखेंगे अच्छा भाई ये सेल्स की सर्विस ऑफर कर रहा है, ये इसका पेज है ये। और देखो मेरी क्लाइंट्स भी,
सॉरी फॉलोअर्स भी 6,316, दसों हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, लेकिन मुझे इससे गर्ज है कि जो भी फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे फॉलोअर्स हों और वो बिज़नेस लाएं। अगर आपके पास लाखों फॉलोअर हैं लेकिन आपके पास कोई बिज़नेस करने नहीं आता, उसका फ़ायदा क्या? अगर आपके पास सिर्फ 1,000 फॉलोअर हैं और उन 1,000 में से 100 भी बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए वही सोना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई क्लाइंट्स ढूंढने किससे इंस्टाग्राम से? जनाब इसका भी मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। आपने अपने आना है सर्च पेज पे, फिर आपने टैप करना है सर्च पे, ठीक है, और उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल सर्च करना है रियल्टर, अगर मैं रियल्टर्स को कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं दबाऊँगा सर्च का बटन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने भी इसी तरह करना है। अगर आप सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में रियल्टर्स को, फॉर एग्जांपल आपने उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपने रियल्टर टाइप किया, सर्च पे क्लिक किया और देखो नज़र क्या आता है, औरतें, ऑफ कोर्स कम कपड़ों वाली ही नज़र आएंगी, ये देखो। तो एनीवेज बिसाइड द पॉइंट, फिर आपने क्या करना है, ये सारे रियल्टर्स की तस्वीरें हैं, आपने क्लिक करना है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपने इधर इस पर कमेंट पे जाना है और इसको लिखना है, हे माय कंपनी प्रोवाइड्स सर्विसेज टू रियल्टर्स एंड हेल्प्स देम फाइंड न्यू क्लाइंट्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। फिर आपने कर देना है इसको पोस्ट और उसके बाद आपने इसको करना है फॉलो भी। क्यों? एक आपने कमेंट किया, फिर आपने इसको फॉलो भी किया, अभी आपको नोटिस करेगी और बेशक आपको ये लाइक ना करे, फॉलो ना करे, आपसे बिजनेस ना ले, लेकिन ये चेक ज़रूर करेगी आपकी प्रोफाइल। और फिर आपने इसी तरह ही अगली पोस्ट पे जाना है, आपने उसके ऊपर भी क्लिक करना है, उसको भी कोई मैसेज कमेंट, उसकी तस्वीर पे कमेंट करना है, और फिर आपने इस तरह रोज़ाना आपने 10-12 लोगों को रीच आउट करना है। अगर आप डेली के 10 लोगों को करते हो, हफ्ते के 70 लोग हो गए, ठीक है, 70 लोग, महीने के 210 हो गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 210 को तो आप रीच आउट करोगे, लेकिन उनके थ्रू एल्गोरिदम आपको रीड करेगा और आप करते करते हज़ारों में पहुँच जाओगे। 1,000 में से 10 लोग भी आपसे बिजनेस करते हैं, आप विन कर गए। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने आप लगातार इसी तरह ही मेहनत करते रहो, आपका बिजनेस टेक ऑफ कर जाएगा। शर्त क्या है? घर से बैठकर आपने रोज़ाना 2 घंटे कम से कम अपने फ़ोन के ऊपर लगाने हैं। और ये देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाई है, मैं ख़ुद कर रहा हूँ और मुझे बिज़नेस मिलता है, और हालांकि ये मेरा मेन बिज़नेस भी नहीं है, ये मेरा साइड पे है। जो वक्त मैंने स्क्रॉल करने में ज़ाया करना है और इन औरतों के ऊपर देख देख के मैंने ज़ाया करना है, मैं उसमें पैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये आज ही शुरू करना है, हर रोज़ कम से कम 2 घंटे लगाने हैं। अच्छा हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई ये वेबसाइट किस तरह बनानी है, तो भाईजान आपने जाना है गूगल पे और आपने सर्च करना है फ्री वेबसाइट बिल्डिंग। बहुत से टूल्स हैं आपके पास, विक्स है, WIX, फिर आपके पास ये जो मेरी वेबसाइट है मैंने जहाँ से बनाई स्क्वेयर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो स्क्वेयर वेबसाइट बिल्डर, आप इधर से भी जाके वेबसाइट बना सकते हो। जनाब मुझे 2 घंटे लगे थे, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं IT में, कोई एक्सपीरियंस नहीं वेबसाइट बनाने में, और मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली बड़ी सिंपल सी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को फॉलो करोगे, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और आप इंस्टाग्राम पे 6 महीने मेहनत करो, मैं गारंटी देता हूँ आप इंस्टाग्राम से पैसे बना सकते हो। आज तक के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली दफ़ा, अल्लाह हाफिज़।